बस स्टैंड पर बम की सूचना पर मची अफरा तफरी। पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन पर किसी अज्ञात ने दी बम सूचना। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने क्षेत्र को अपने कब्जे में लेकर करीब 2 घंटे तक चलाया सर्च ऑपरेशन। बस स्टैंड से लावारिस अवस्था में खड़ी सेंट्रो कार को किया जब्त। पुलिस अज्ञात व्यक्ति की तलाश में जुटी। धौलपुर जिले के रोडवेज बस स्टैंड पर बम रखा होने की सूचना से हड़कंप मच गया। अज्ञात व्यक्ति ने अभय कमांड को बस स्टैंड पर बम रखे होने की सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। बस स्टैंड पर पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रोडवेज बस को खाली कराया। पुलिस ने बम निरोधक दस्ता से बारीकी से जांच पड़ताल की, लेकिन करीब 2 घंटे तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। काफी मशक्कत के बाद बम होने की सूचना झूठी निकली। इस दौरान पुलिस ने बस स्टैंड से लावारिस अवस्था में खड़ी एक सेंट्रो कार को जब्त कर लिया। जिस नंबर से सूचना दी गई पुलिस उसकी डिटेल खंगाल रही है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामला यू है कि आज सोमवार को अभय कमांड को रोडवेज बस स्टैंड पर बम रखे होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस के अलावा अधिकारी हरकत में आ गए। थाना प्रभारी SSHO बाबूलाल पटेल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंचकर पुलिस ने बस स्टैंड के प्रांगण को खाली कराया। बस स्टैंड के स्टोर पर रूम बुकिंग केंद्र स्टाफ कक्ष प्रबंधक कार्यालय आदि की बारीकी से तलाशी ली गई, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग सका। तकनीकी यंत्रों द्वारा पुलिस ने बस स्टैंड के प्रांगण सहित पूरी इमारत को खंगाला है, लेकिन बम विस्फोट सामग्री जैसा कोई भी पदार्थ पुलिस के हाथ नहीं लग सका। उधर जिस व्यक्ति द्वारा पुलिस को बम होने की सूचना दी थी उसकी डिटेल खंगाल कर उसकी तलाश की जा रही है। प्रारंभिक अनुसंधान में मामला अफवाह फैलाने का प्रतीक हो रहा है, फिर भी पुलिस द्वारा गहनता से मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने बस स्टैंड से लावारिस अवस्था में खड़ी एक सेंट्रो कार को जब्त किया है।